नमस्कार, मैं हूं रेनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल सी के साथ। अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, जगदलपुर शहर के दलपत सागर मार्ग में बीती रात एक तेज रफ्तार कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते तीन युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को क्रेन के माध्यम से बाहर निकलवाया, युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक NMDC में कार्यरत थे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले में बीते 24 घंटे के भीतर तीन अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में 2 मासूम बच्चे समेत 3 अन्य लोग शामिल हैं। गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे बस पलटने से कंडक्टर की मौत हुई है। और अगली खबर आ रही है कोरबा से, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार रफ्तार अधिक होने की वजह से पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अगली खबर आ रही है बलरामपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दौरान हादसे में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CSF के 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। इस दुर्घटना में पिकअप वाहन का चालक भी घायल हो गया है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। मामले को लेकर अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अब दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की खबर है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी प्री मानसून का आगमन हो चुका है। इससे प्रदेश में बारिश की गतिविधि बनी हुई है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चल रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, साथ ही बारिश की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में बारिश की वजह से वातावरण ठंडा हो गया है, हालांकि उमस अभी भी बरकरार है। आज गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।